वेलकम स्टूडेंट्स। तो जितना वीडियो हुआ था हमारा क्लास टेंथ का, साइंस कंटिन्यू कर रहे थे और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें 4-5 पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। आज जो है लास्ट वीडियो बोल सकते हो इसका, कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पार्ट जो है इसका, लास्ट टॉपिक है एरियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है और एरियल ऑक्सीडेशन के बारे में डिटेल्स लेंगे आज। ठीक है, तो देखिए जैसे एरियल ऑक्सीडेशन, पहला पॉइंट जो है इसका डेफिनेशन क्या होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, पहले ही बता दिया हूं और डिस्कस भी किए हैं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या। ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एरियल मतलब एयर। ठीक है, ऐसे समझना, एरियल मतलब क्या, एयर। तो एयर में होता क्या है, ऑक्सीजन होता है। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके साथ अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज होता है तो एरियल ऑक्सीडेशन उसको बोलेंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, द ऑक्सीडेशन कॉज्ड बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज एरियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा बट कहां से, एयर से। जो ऑक्सीजन है, एयर में जो ऑक्सीजन है उसके प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, एरियल ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सॉरी, तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखिए, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है हमारा डेली लाइफ में, और आप जान भी सकते हो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, ये दो तरह का होता है, ध्यान रखना। पहला जो है वो क्या है, करोजन। सेकेंड जो है वो क्या है, रेंसिडिटी। ठीक है, दोनों में फर्क है, दोनों ही एरियल ऑक्सीडेशन है। ये भी एरियल ऑक्सीडेशन है और ये भी एरियल ऑक्सीडेशन है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस जो कि आपको पता होना चाहिए और जरूरी भी है, अब डेफिनेशन लिखने के टाइम काम भी आएगा। ठीक है, करोजन क्या है, ये भी एरियल ऑक्सीडेशन है, ये भी एरियल ऑक्सीडेशन है। डिफरेंस इतना ही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा मेटल का। किसका होगा, मेटल का। ठीक है, मेटल मतलब समझ आ रहा है, आयरन, कॉपर, ऐसे जो भी मेटल है, मेटल का ऑक्सीजन होगा, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, करोजन बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा किसका, फूड जो आप खाते हो, फूड खाना। ठीक है, फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, ऐसा फूड जिसमें ऑयल एंड फैट होता है, वैसे फूड का ऑक्सीडेशन होना। ठीक है, तो ये फूड से रिलेटेड है या मेटल से रिलेटेड है, इसीलिए नाम अलग अलग है। यहाँ पे रेंसिडिटी है, यहाँ पे करोजन है। ठीक है, और अच्छा से इसको देख सकते हो, देखो जब कोई भी मेटल या तो एयर या तो मॉइस्चर या तो केमिकल के कंटेक्ट में आके क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा या ऑक्सीडेशन होगा, तो उसको बोलेंगे एरियल ऑक्सीडेशन। और एरियल ऑक्सीडेशन में भी स्पेशल उसका नाम क्या हो जाएगा, करोजन। ठीक है, एयर मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि एयर मतलब क्या, उसमें ऑक्सीजन होता है, मेन जो पार्ट है उसका ये ऑक्सीजन ही है, क्योंकि ऑक्सीजन के वजह से ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे रेंसिडिटी तब बोलेंगे कोई भी फूड पार्टिकल जिसमें ऑयल एंड फैट का जो परसेंटेज है काफी ज्यादा होगा, वो अगर एयर के कंटेक्ट में आता है, एयर मतलब ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आता है और ऑक्सीडेशन होता है, तो उसको बोलेंगे रेंसिडिटी। ठीक है, ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का बस एक ही यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे फूड पार्टिकल्स है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो दो टाइप का एरियल ऑक्सीडेशन है, चाहे करोजन हो या रेंसिडिटी हो, इसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। क्या एग्जांपल है इसका डेली लाइफ में, कैसे ये हम देखते हैं। ठीक है, और इसके बारे में इसका प्रिवेंशन का क्या क्या मेथड है, इससे कैसे बच सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, इसको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं करोजन के बारे में, डिटेलिंग करते हैं। देखिए मैं बताया करोजन क्या है, कोई मेटल अगर क्या होता है, एयर के कंटेक्ट में आता है, एयर मतलब एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आता है या तो मॉइस्चर और केमिकल कंटेक्ट में आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, करोजन बोलेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है, याद रखना, मेटल करोजन के केस में मेटल आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ ईटन ऑफ ए मेटल व्हेन इट कम्स इन कंटेक्ट विथ एयर मॉइस्चर एंड केमिकल इज नोन एज करोजन। ठीक है, कोई भी मेटल अगर क्या आता है, किसके कंटेक्ट में आता है, एयर मॉइस्चर एंड कोई केमिकल के कंटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, ईटन अप हो जाता है, मतलब खा लेता है, मतलब खत्म होने लगता है, जो लोहा है या कॉपर है खत्म होने लगता है। ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, करोजन बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मेटल क्या हो रहा है,
एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, किसका, मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, मेटल के ऊपर एक लेयर फॉर्म होता है, क्या होता है, मेटल के ऊपर एक लेयर ऐसे फॉर्म होता है जो कि उसको ईटन अप कर लेता है, ठीक है, खराब कर देता है कोई भी मेटल को, ठीक है। फिर कोरोजन इन केस ऑफ आयरन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है यही एग्जाम्पल है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे ही बनता है, ठीक है। आयरन में जो करोजन होता है उसको स्पेशल नेमिंग किया गया है, जिसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो आपको करोजन में मेटल, ये तो ध्यान रखना है, मेटल के केस में क्या होता है, करोजन होता है, करोजन में भी स्पेशल जो केस है किसका है, आयरन का, उसमें आपको क्वेश्चन बनेगा, उसमें फोकस करना है। तो स्पेशली देखो रस्टिंग ऑफ आयरन में से क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए पहला कंडीशन क्या चाहिए, कोई भी आयरन है, ओनली आयरन का बात यहाँ पे कर रहा हूं मैं, अगर कोई आयरन है तो कंडीशन क्या चाहिए वो रस्ट होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है, या तो एयर प्लस क्या लिखा हुआ वहां पे, H2O मतलब वाटर, ठीक है, एयर तो हो गया, उसके साथ साथ क्या वाटर, ये दोनों, या तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब क्या वही है, देखो सेम चीज है, बस लिखा अलग अलग हुआ है, तीनों सेम चीज है, देखो यहाँ पे एयर लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, तो एयर वाटर, या तो ऑक्सीजन के साथ वाटर, या तो मॉइस्चर के साथ, अगर क्या आता है लोहा, यहाँ पे आयरन का बात कर रहा हूँ, ठीक है, आयरन ये कांटेक्ट में आता है, ये कंडीशन में आता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। और रस्टिंग मतलब मैं क्या बताया, रस्टिंग मतलब वही होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है, बट आयरन का जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, आयरन है, ठीक है, Fe प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस X H2O, X यहां पे क्यों लिखा हूं, इसका कोई ये वेरिएंट होते रहता है, ये जो x का वैल्यू है ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये जो वाटर का लेवल यहाँ पे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो यहाँ पे रस्टिंग उसके हिसाब से होगा, तो यहाँ पे भी मैं x लिख दिया हूँ, ठीक है। बैलेंस कर सकते हो आप इक्वेशन को, बैलेंसिंग कैसे करना है मैं आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आयरन प्लस, आयरन का सिंबल होता है Fe, ऑक्सीजन, और यहाँ पे वाटर, वाटर का परसेंटेज जो है या तो जो भी है उसका मतलब मॉलिक्यूल्स, आप एक्स यहाँ पे डिनोट किया हूं मैं, अपने हिसाब से आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। फिर Fe2O3, ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो बनेगा, और अगर आपको पूछेगा पूरा रस्टिंग का, रस्टिंग मतलब क्या, रस्टिंग का कलर भी पूछता है कभी कभार, तो ये होता है रेड ब्राउन कलर, क्या होता है, रेड ब्राउन कलर होता है जो रस्टिंग का कलर होता है, ठीक है, रस्टिंग लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, रस्टिंग का कलर रेड ब्राउन होता है। और अगर आपको पूछेगा रस्टिंग जो है उसका फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बोलोगे, Fe2O3 XH2O, ठीक है, और X के जगह अगर ऑप्शन में कुछ लिखा हुआ है तो उस आप सही मान सकते हो, ठीक है, एज पर इक्वेशन, ठीक है, वहां पे जो है इक्वेशन उसके हिसाब से। इन दिस प्रोसेस वेट इंक्रीजेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, और काफी स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, ये बीट क्वेश्चन में आता है, एमसीक्यू में आता है, जब भी आयरन रस्टिंग होता है, ये तो रस्ट होता है, तो उसमें वेट इंक्रीज होता है ना कि डिक्रीज होता है, तो लोगों को लगता है क्या, आयरन रस्ट होता है तो खराब हो जाता है, तो वेट डिक्रीज हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वेट इंक्रीज होता है। रीजन क्या है, रीजन ये है, यहाँ पे जो आयरन, आयरन के ऊपर क्या होगा, रस्टिंग होगा, तो एक लेयर फॉर्म होगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेयर फॉर्म होगा, ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा लेयर वेट इंक्रीजेस, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इन दिस प्रोसेस वेट इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड ऑल्सो इट्स अ केमिकल चेंज, ठीक है, और ये जो ऑक्सीडेशन है आयरन का, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब मैं बताया ही था, इसमें दोनों रिएक्शन होता है, रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी, ठीक है, और आप यहाँ पे रिएक्शन को देख के भी पता कर सकते हो कि रिडॉक्स कैसे हुआ और ऑक्सीडेशन कैसे हुआ। देखो यहाँ पे आयरन है, तो आयरन देखो यहाँ पे कहाँ पे जुड़ रहा है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, आयरन के साथ, मतलब मेटल के साथ, मैं आपको बताया था रिडक्शन में भी, अगर कोई चीज मेटल के साथ, ठीक है, जुड़े तो उसको, ऑक्सीजन मेटल के साथ भी जुड़े तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मेटल के साथ जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ मेटल ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन, मैं आपको बता ही दिया था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का वीडियो में, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है, दोनों हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। एंड इट्स अ केमिकल चेंज, ये इजी सा
एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, क्योंकि आपको पता होगा 8, 9, 7 में भी है केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, जो रिवर्सेबल नहीं है। जो कि आयरन का रस्टिंग, आप उसका रिवर्स नहीं कर सकते हैं एक बार अगर रस्टिंग हो गया, और यहाँ पे न्यू जो क्या हो रहा है, एक लेयर फॉर्म हो रहा है, न्यू चीजें जब फॉर्म होगा तो उसको केमिकल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आयरन का रस्टिंग होना है, क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं इसका प्रिवेंशन मेथड, इसे बचेंगे कैसे। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है, इसका क्या स्टेप फॉलो करके आप रस्टिंग से या तो कोरोजन से, ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हो, क्या स्टेप है। देखो पहला पॉइंट है बाय यूजिंग ऑयल पेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, अगर बोलेगा कि करोजन का क्या प्रिवेंशन मेथड है, तो आप बोलोगे क्या यूज करोगे, ऑयल पेंट्स या तो लुब्रिकेंट्स। आप कोई भी चीज घर में लाते हैं, ठीक है, आयरन का हो गया, कोई भी मेटल का, तो हम क्या करते हैं उसमें पेंट्स कर देते हैं। ठीक है, पेंट करने से क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन नहीं होता, खराब नहीं होता है। ठीक है, तो कोई भी मेटल को प्रिवेंशन करने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, ऑयल या पेंट्स या तो लुब्रिकेंट्स का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा पेट्रोल पंप जो होता है उसमें गाड़ी में क्या होता है, लुब्रिकेंट्स डालते हैं। ठीक है, फ्री के लिए, जो इंजिन होता है काफी स्मूथली रन करेगा उसके लिए। ठीक है, ना कि अंदर में जंग हो जाए या तो खराब हो जाए। ठीक है, उसके लिए लुब्रिकेंट्स डाला जाते हैं। तो ये है एक मेथड। अगर ओनली पूछता है कि आयरन का जो रस्टिंग है उसका प्रिवेंशन का क्या मेथड है, तो आप बताओगे क्या, गल्वनाइजेशन। क्या होगा यहाँ पे, गल्वनाइजेशन। ठीक है, तो वो देखो करोजन का पूछेगा तो आप क्या बताओगे, बाय यूजिंग ऑयल पेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स। ओनली अगर आयरन का पूछ रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रिवेंशन मेथड क्या है, तो आप क्या बोलोगे, गल्वनाइजेशन। गल्वनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इन दिस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, आयरन इज कोटेड बाय जिंक। ठीक है, ये प्रोसेस, गल्वनाइजेशन का प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है, जो आयरन होता है उसको जिंक से कोट किया जाता है। ठीक है, जिंक का एक लेयर बनाया जाता है आयरन के ऊपर। मान लो कि आयरन है, ये आयरन है, इसके ऊपर क्या होता है, जिंक का एक लेयर कोटेड किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, एयर के कंटैक्ट में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, खराब नहीं होगा, या तो रस्ट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका प्रिवेंशन का मेथड है बाय गल्वनाइजेशन। इन दिस, गल्वनाइजेशन का मेथड ये बोल रहा है, इन दिस आयरन इज कोटेड बाय जिंक। जिंक का एक लेयर उसमें दिया जाता है, किसमें, आयरन में। ठीक है, और इसमें नोट पॉइंट करके लिखना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, नॉर्मली आप देखे ही होंगे एल्यूमिनियम जो घर में यूज होता है उसमें काफी देर तक देखे होंगे आप, रस्ट नहीं होता, खराब नहीं होता इतना जल्दी। जो प्योर एल्यूमिनियम होता है खराब तो नहीं होता है, बाकी जो डुप्लीकेट होता है जिसमें मिक्स होता है खराब हो जाता है कुछ दिन में। तो मैं प्योर एल्यूमिनियम जो है उसका बात कर रहा हूँ, उसको अगर लेंगे तो उसमें रस्ट क्यों नहीं होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसमें ऑन क्या लिखा हुआ है, देखो एल्यूमिनियम इट डज नॉट कोरोडेट। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम। मान लो कि एक एल्यूमिनियम है, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये एल्यूमिनियम का मेटल है, जब ये रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, एटमोस्फियर ऑक्सीजन से, तो इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाता है, और लेयर कौन सा लेयर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर है। यहाँ पे लिखा ही हुआ है L2O3। ठीक है, L2O3, मान लो कि एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो गया। ठीक है, और वो लेयर किसका है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ऑन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर। इट डज नॉट कोरोडेट, इसीलिए क्या होता है, ये कोरोडेट नहीं होता है, या तो खराब नहीं होता है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, करोजन के बारे में डिटेलिंग। ठीक है, और नेक्स्ट जो है बचा है क्या, रेंसिडिटी, उसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं, क्या उसमें क्वेश्चन बनने वाला है। स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो आप। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं, देखो लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता क्या है, मैं अभी डिस्कस की, ये भी क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन होता है। एरियल ऑक्सीडेशन दो पार्ट होता है, एक हो गया क्या, क्रोजन, और नेक्स्ट हो गया रेंसिडिटी। क्रोजन किसमें होता है, मेटल के केस में होता है। रेंसिडिटी किसमें होता है, फूड जहां पे होता है, फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फेट, ऐसा फूड जिसमें ऑयल एंड फेट होगा, अगर वैसा वाला फूड क्या होगा, एयर के कंटेक्ट में आएगा, एयर मीन्स वही आप समझ सकते हो ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आएगा, तो उसमें क्या होगा, एरियल ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, एरियल ऑक्सीडेशन। और एरियल ऑक्सीडेशन होने के वजह से क्या होगा, उस जो फूड है, ठीक है, उसमें से क्या आएगा, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, मतलब फूड खराब हो जाएगा ऐसा बोल सकते हो, उसमें से जो है अनप्लीजेंट स्मेल आएगा और टेस्ट भी उसका खराब हो जाएगा, स्मेल टेस्ट दोनों खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, रेंसिडिटी। उसी को सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है, द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द फूड कंटेनिंग, फूड कंटेनिंग ये इंपॉर्टेंट है, ऑयल एंड फैट्स, ऐसा फूड जिसमें ऑयल एंड फैट्स होगा,
ड्यू टू द एरियल ऑक्सीडेटर, मतलब एयर में जो ऑक्सीडेशन है, एयर में जो ऑक्सीजन है उसके प्रेजेंस में अगर कोई फूड है जिसमें ऑयल एंड फैट से वो रिएक्ट करता है तब क्या होगा ये, उसको बोलेंगे रेंसिडिटी, और जिसमें क्या होगा अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट आने लगेगा. ओके, देन इसका प्रिवेंशन का मेथड क्या है, ठीक है, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, यहां पे मैं लिख भी दिया हूं, दिस सब्सटेंस इज प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स. ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेंट्स के खिलाफ है, ऑक्सीडेंट्स को रोकता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे कुछ है जिसको डाल के हम लोग क्या करते हैं, जो फूड है उसको प्रिजर्व करते हैं, या तो लॉन्ग टाइम के लिए वो जैसे क्या होगा रहेगा, खराब ना होगा. वैसे दो एंटीऑक्सीडेंट का यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे एक है BHA, एक है BHT, ठीक है. ये मैं भी आपका बुक में नहीं दिया हुआ है बट आपको जानना जरूरी है, एक दो नाम आप याद कर सकते हो. इसका फुल फॉर्म है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, और यहाँ पे BHT मतलब ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है. ये दोनों क्या है, एंटीऑक्सीडेंट से केमिकली मिलता है ये, ठीक है. तो ये डाल के आप क्या कर सकते हो, जो फूड पार्टिकल्स है उसको प्रिवेंट कर सकते हो रेंसिडिटी से बचने के लिए. नेक्स्ट क्या है, By using nitrogen in the packaging of food content fat and oil, ठीक है. नाइट्रोजन का भी यूज करते हैं प्रिवेंशन के लिए, जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, लेस और कुरकुरे का जो पैकेट हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, लेस और कुरकुरे में उसमें क्या होगा, ऑयल होता है, ठीक है. तो वहां पे जो ऑयल होता है वो खराब हो जाता है, और उसके लिए यहाँ पे जो क्या होता है पैकेजिंग में क्या देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं. आपको पता ही होगा, आप लेस कुरकुरे तो बचपन में अभी भी खाते होंगे, ठीक है. उसमें क्या होता है, हवा होता है, ठीक है, एयर भरा होता है. तो हम सोचते हैं, या तो कुछ मैं भी बचपन में सोचता था कि यहाँ पे जो कंपनी वाला है हमें क्या बना रहा है, उल्लू बना रहा है, हवा दे रहा है, ठीक है. लेकिन वो हवा नहीं है, इसमें जो हवा होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन है. क्या है, नाइट्रोजन है. ये इसलिए दिया होता है कि यहाँ पे जो फूड है पैकेजिंग के अंदर वो खराब ना हो, ठीक है. ये एक प्रोसेस है प्रिवेंशन का. नेक्स्ट, बाय केप्ट इन रेफ्रिजरेटर टू रिड्यूस रेंसिडिटी, ठीक है. हमें डेली लाइफ में यूज करते हैं, आपके मम्मी क्या करते हैं, जो भी खाना बचेगा उसको फ्रीज में रख लेते हैं, ठीक है. फ्रीज में क्यों रखते हैं, कि खाना खराब ना हो, ठीक है. वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब खाना को फ्रीज में आप रख सकते हो टू रिड्यूस रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से बचने के लिए. क्या रीजन क्या है, बिकॉज बिकॉज एट लो टेम्परेचर ऑक्सीडेशन इज स्लो, ठीक है. अगर टेम्परेचर लो होगा तो ऑक्सीडेशन भी वहां पे स्लो होगा, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं. फ्रिज में रखने से खाना भी खराब होता है, कुछ ज्यादा दिन रखोगे तो खाना खराब हो जाता है. लेकिन बाहर में रखने से मान लो कि एक दिन में खराब हो रहा है, तो फ्रिज में ज्यादा टाइम लगेगा, 5-7 दिन में खराब होगा. तो उससे बचने के लिए क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो होता है वहां पे स्लो हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जहां पे लो होता है वहां पे ऑक्सीडेशन स्लो होता है. तो बाय केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, मतलब फूड को अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो वहां पे भी आप प्रिवेंट कर सकते हो रेंसिडिटी से, बिकॉज लो टेम्परेचर, ठीक है. और वैसे और एक पॉइंट लिख सकते हो, ये भी रिलेटेड है, By keeping food away from the light, ठीक है. लाइट से बचा के रखना है, ज्यादा लाइट जहां पे होगा वहां पे फूड नहीं रखना है. और रीजन आप सेम ही बोल सकते हो, क्या, जहां पे ज्यादा लाइट होगा वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा. तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, इसका भी रीजन क्या है, वही है, बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता तो है लेकिन स्लो होता है प्रोसेस, ठीक है. लास्ट पॉइंट, बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है. और नॉर्मली जो जिसके घर में फ्रिज नहीं होता, या पुराने जमाने में जो फ्रीज का यूज काफी कम हुआ करता था तब क्या करते थे, जो खाना है उसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रखते थे, ठीक है. क्यों, क्योंकि वो क्या होगा, एयर के कंटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है. वो टाइट हो जाएगा मतलब एयर के कंटेक्ट में नहीं आएगा, एयर के कंटेक्ट में नहीं आएगा मतलब ऑक्सीजन के कंटेक्ट में नहीं आएगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा इसका मतलब रेंसिडिटी नहीं होगा, ठीक है. तो ये सारा प्रिवेंशन का मेथड है, ठीक है. और भी ये देखो, जैसे आप ये देख सकते हो पीकल, ठीक है, जो अचार वगैरह आप खाते हो उसमें क्या होता है, सल्ट, सल्ट का जो है काफी क्वांटिटी सल्ट का ज्यादा होता है, और ऑयल का क्वांटिटी क्या होता है, ज्यादा होता है. क्योंकि जो भी पैकेजिंग आता है पिकल का वो काफी देर तक रहना, और पिकल ऐसा भी चीज है, आप ऐसा नहीं कि एक बार में खा जाओ, तो ज्यादा दिन तक रहना है, तो सल्ट और ऑयल इसमें डाल सकते हैं. ये जो है ये भी प्रिवेंशन का मेथड है, ठीक है. और बाकी सारा ये भी है, ठीक है. आपको याद रखना है ये सारा मेथड है प्रिवेंशन किसका, रेंसिडिटी का. इसी के साथ आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, ठीक है. और आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है. थैंक यू, बाय बाय.